इनका क्या नाम है? इनका नाम है ईश्वरी. ईश्वरी. इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म यूएस में हुआ, लेकिन एक और बच्चा आ रहा है. मैं चाहती हूँ कि इसकी जन्म वृंदावन में हो, तो इसलिए हम आए. कल ही आए यूएस से. अच्छा, आप प्रेग्नेंट है और आप कल अमेरिका से यहाँ आए ताकि आपके बच्चे का जन्म इंडिया में हो. वृंदावन में. हाँ. से राधे राधे. राधा. राधे राधे. जय राधे. ये बोलती है कुछ अभी? हाँ बोलती है. राधे राधे बोलती है? नहीं, राधा बोलती है. राधा. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया. दोस्तों आजकल मैं वृंदावन में हूँ और आपको अनेक प्रकार के देश और विदेश के साधु संत, टूरिस्ट और जो भक्त हैं यहाँ पे श्री कृष्णा के डिवोटीज़ है, उनसे मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ. आज हमारे साथ यहाँ पे एक अमेरिका की और लेडी है और इनकी माता जी का इंटरव्यू हम पहले कर चुके हैं इंटरव्यू में, जो कि 19 साल की उम्र में भारत आई थी और तब से वो लेके यहाँ तक गीता का प्रचार करती है. उनकी दो बुक स्टोर है जहाँ पे वो अनेक भाषाओं में गीता का प्रचार करती है, गीता बेचती है. उनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आज हमारे साथ उनकी बेटी है. हरे कृष्णा. हरे राधे. और बचपन से मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन अब मैं अमेरिका में रहती हूँ. मेरे परिवार वहाँ है. तो कोई दिक्कत नहीं? मिट्टी खा रही है मेरी बेटी. से? छोटी सी बेटी भी है. इनका क्या नाम है? इनका नाम है ईश्वरी. ईश्वरी. इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म यूएस में हुआ, लेकिन एक और बच्चा आ रहा है. मैं चाहती हूँ कि इसकी जन्म वृंदावन में हो, तो इसलिए हम आए. कल ही आए यूएस से. आप प्रेग्नेंट है और आप कल अमेरिका से यहाँ आए ताकि आपके बच्चे का जन्म इंडिया में हो. वृंदावन में. हाँ, जिससे कि वो भी ब्रिजवासी हो और उनकी भी उनके भी कृष्ण भगवान और राधा रानी के साथ अच्छा सा संबंध होगा. देखिए दोस्तों, हमारे देश की ये माइक नहीं थी, पहले से माइक से खेलने दे माइक से. ये अमेरिका में रहती है और ये अभी प्रेग्नेंट है और ये चाहते हैं कि इनका बच्चे का जन्म भारत में हो, तो ये कल ही यहाँ पे आई है. आपकी शादी अमेरिकन से हुई या इंडियन से हुई? अमेरिकन से वक्त है. हाँ. अभी आप अमेरिका में रहते हो वैसे इंडिया में रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ 3-4 महीने के लिए मेरी माँ के साथ. और यहाँ बच्चे जब होगा तो बाद में मैं यहाँ आराम कर सकती हूँ. हमारे माँ और यहाँ जो और भी भक्त है और सब परिवार जैसे हैं, तो हमारे कम्युनिटी में, मंदिर में. आपके पति अमेरिकन है, आप रहते भी अमेरिका में हो, तो फिर आपने ये मतलब क्यों, कैसे डिसाइड किया और ऐसी क्या चीज़ थी कि आपको ये डिसाइड करना पड़ा कि नहीं अपने बच्चे को आप वृंदावन में जन्म? मेरी माँ यहाँ रहती है, मैं उनके साथ रहना चाहती थी. आप भी कृष्ण के भक्त? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ. ये कितने साल की बेबी है आपकी? ये अभी 15 महीने की है. 15 महीने की है. इनका जन्म उधर हुआ? हाँ हाँ. एक बच्चे का जन्म अमेरिका में, एक आप चाहते हैं इंडिया में. मेरी और भी एक बेटी है, 11 साल की है वो. उनका जन्म अमेरिका में. वो हिंदी बोलती है? वो नहीं बोलती है. आप ही हिंदी बोलते हो? आपके पति बोलते हैं हिंदी? वो नहीं बोलते. तो फिर आप कैसे सीखे? क्योंकि मैं यहाँ बचपन से हूँ, जन्म हुआ यहाँ पे. आपका ओके. हाय. वहाँ हिंदी बात करने में ज़्यादा मौका नहीं मिलता, तो हिंदी इतनी ठीक नहीं है जैसे पहले था. लो लो लो. से हाय. से हाय. से राधे राधे. राधा. राधे राधे. जय राधे. ये बोलती है कुछ अभी? हाँ बोलती है. राधे राधे बोलती है? नहीं, राधा बोलती है. राधा. 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 राधा बोलो. देखिए यहाँ पे थोड़ा बच्चा है तो थोड़ा इंटरव्यू को जल्दी ख़त्म करें क्योंकि बच्ची. हाँ. परेशान कर रही है. हाँ. तो जब आपका बच्चा होगा तो आप उसे अमेरिका ले जाएंगे या फिर जाएंगे? यहाँ 2-3 महीना रहेंगे फिर जाएंगे वापस. बीच में आते रहेंगे? हाँ. मम्मी आपकी यहाँ रहती है तो आप बोलते नहीं मम्मी को चलो मम्मी अमेरिका चलते हैं? मम्मी अमेरिका नहीं आती, मम्मी केवल यहाँ रहती है. तो अगर मम्मी से मिलना है तो हम यहाँ आना पड़ता है. मम्मी अमेरिका नहीं आती? तो भारत में अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है. दोस्तों इनके साथ हमें इंटरव्यू थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, 15 महीने की है और वो थोड़ा परेशान कर रही है मम्मी को अपनी. तो बेसिकली ये अमेरिका से है, इनका घर अमेरिका में है, पति अमेरिकन है, अमेरिका में रहती है और ये प्रेग्नेंट है और ये चाहती है कि इनका बच्चा भारत में पैदा हो, वृंदावन की धरती पर पैदा हो, इसलिए यहाँ पे आए हैं. आपको इंडिया में कैसा लगता है? इंडिया में बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिल लगता है यहाँ पे. और चलिए, थैंक यू सो मच. वृंदावन हमारा घर है और हमको बहुत मतलब दिल में शांति मिलता है और खुश मिलता है और
मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सकती थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों देखिए, ये अमेरिकन है और ये प्रेग्नेंट है, ये चाहते हैं कि इनका बच्चा भारत में पैदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको इनकी ये सोच कैसी लगी कि अपने बच्चे को भारत में जन्म देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू।